दोस्तों, मैं आज एक नौजवान के जज्बे को सलाम करते हुए एक कहानी पेश कर रहा हूं। ये कहानी उस वक्त से ताल्लुक रखती है जब गोरे अंग्रेज की काली करतूत से भारत देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। दोस्तों, उस वक्त ना जाने कितने घर परिवार बर्बाद हुए, जिनमें कुछ पाकिस्तान चले गए और कुछ अपने मुल्क की मोहब्बत में यहीं ठहर गए। ये कहानी उस देश प्रेमी जाबाज के पोते की है जो तिरंगे झंडे की आन के खातिर शहीद हुआ। ये कहानी पाकिस्तान में बसी नूर बानो के पोते की अनवर की है, जिसको नूर बानो बंटवारे के वक्त का वाकात अक्सर सुनाया करती थी। बंटवारे के वक्त के वाकात सुनकर अनवर के दिल में भारत के लिए एक जज्बा पैदा हुआ और उसने कुछ नया कर दिखाने का अज़्म किया। आइए देखते हैं उस नौजवान अनवर ने क्या कदम उठाया। अम्मी जान। हाँ बेटा। आज अनवर भाईजान कुछ बदले बदले लग रहे हैं, अजीब अजीब सा कर रहे हैं। हीना, तू नहीं जानती, अनवर मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ वो क्यों परेशान है। भाई एक मिनट रोक, भाई, भाई भाई मुझे उतार दे भाई, मुझे मुझे डर लग रहा है भाई। लेफ्ट चलो फिर राइट चलना। हाँ अम्मी जान, काम हो जाएगा, बस काम करके निकलूंगा। हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा। Thank you.
गया, ये तो देशभक्त था और मैंने इसको आतंकवादी समझा, मैंने इसको गलत समझा। अरे मुसलमान इतने देशभक्त भी होते हैं, कभी सोचा नहीं था। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़